सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये योजना नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना जिसको प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, और इस योजना के माध्यम से नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए, सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए एक सुनहरा अवसर है। और वैसे भी नौजवानों के बीच में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, उनको देशभक्ति के इस काम में लगाना, ये भी एक मकसद जो है इस योजना के माध्यम से जो है वो साकार होता है। और दूसरी बात, 4 साल की सेवाएं देने के पश्चात 25% उसके बावजूद भी सेना में नियमित रूप से आगे काम करें, बाकी के जो हमारे जवान होंगे उनको दूसरे क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज देने के लिए केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि हम दूसरी सर्विसेज में उनके लिए कहां कहां उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, ताकि चाहे वो पुलिस है, चाहे होमगार्ड है, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में कहां किस प्रकार से उनके लिए दे सकते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन उनके पास होंगे। और जिस तरह से राजनीतिकरण इस सारे विषय का करने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ लोग, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हैं, उनको लगता है कि इससे उनका भला होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से राजनीति करने से उनका भला नहीं होने वाला है। नौजवानों के लिए जितना मोदी जी ने किया, जितना मोदी जी ने सोचा, और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नौजवान की भावनाओं को आहत होने देंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ये भाव ही नहीं है उनका। और उनका हमेशा नौजवानों के प्रति उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको मजबूत करना, उनको दिशा देना और देश के काम में उनको लगाना, ये प्रयास रहा है। और नौजवान भी उनको दिल से चाहता है।